पिछले सारे 4 से 5 कैरेक्टर अगर आप देख लो तो उसमें हर कैरेक्टर की शुरुआत टीके से होती है। डिफरेंसेस तो सिर्फ यही है कि अनुराग बासु एज अ किरदार शादीशुदा नहीं है और मैं हूँ शादीशुदा। एनी फ्रीडम फाइटर, किसी फ्रीडम फाइटर के ऊपर कोई कहानी बना रहे हो तो उसको लेकर आई वुड लव टू प्ले बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर इंडियन हिस्ट्री। Hi, this is Karan and you're watching me on Telechaska. तो हाय करण, वेलकम टू टेली चस्का एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू नो, आप एक नए अवतार में, अलग ही कैरेक्टर में दिख रहे हो। सो हाउ एक्साइटिंग इट इज फॉर यू? एक्सट्रीमली एक्साइटिंग है। आपने पिछले अगर मेरे कैरेक्टर्स देखे होंगे तो पिछले सारे 4 से 5 कैरेक्टर अगर आप देख लो तो उसमें हर कैरेक्टर की शुरुआत टीके से होती है मेरे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखाया गया है मुझे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स दैट हैव प्लेड सो फार। इट्स अ बंगाली बैकग्राउंड। इसके पहले जो मैंने किया था इट वॉज फ्रॉम यूपी, उसके पहले जो किया था इट वॉज अ महाराष्ट्रन बाजीराव, उसके पहले तो मैंने माइथुर किया था एक्चुअली, जो सिया के राम लक्ष्मण। So I'm very glad that I've been approached to play a very different characters than what I have played before. So that's a good thing. एंड वी हैव हर्ड दैट कि आपने ब्रेक लिया था ड्यू टू आपको मतलब कि जो पिछले कैरेक्टर्स आपने निभाए उसके बाद लास्ट शो जो आपने किया था उसके बाद आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। सो उस ब्रेक की कोई खास वजह? खास वजह यही थी कि इट वाज अ लिटिल एग्जॉस्टिंग फॉर मी बिकॉज मैं कंटिन्यूअसली काम कर रहा था। तो इट वाज सेल्फ डिसाइडेड ब्रेक एक्चुअली, जो 3-4 महीने का मैंने लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कोविड वो 3-4 महीना 1-1.5 साल खींच गया एक्चुअली। तो इट वाज वेरी मच डिसाइडेड कि मैं 3 महीने का तो ब्रेक लूंगा एंड देन आई विल लुक आउट फॉर न्यू थिंग्स टू कम ऑन माई वे। बट यस, इट हैपेंड टू बी 500 डेज एंड देर आर लॉट ऑफ ऑफर्स कमिंग इन बिटवीन विच वेर नॉट गेटिंग मटीरियलाइज। कुछ चीजें उनको अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो इन इन चीजों के कारण कुछ और महीने निकल गए थे। एंड वी हैव सीन यू डूइंग की माइथोस भी किए, देन यू आपने जो लास्ट सीरियल किया था हानिकारक बीवी उसमें काफी अलग कैरेक्टर था, ये काफी अलग कैरेक्टर है। सो विच वाज योर फेवरेट और कौन से कैरेक्टर से आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं? See, each and every character has been beautiful for me to play. As an actor, I can't say that this particular character was one of my favorite. Okay, I have always liked all the characters that I've played so far, and I'm so sure that I'm going to enjoy Anurag Basu as well. Okay, because each and every character has a different shade. तो कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है, कुछ अलग तरीके का निभाने को मिलता है उसमें। ओके, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें तो और भी मजा आता है बिकॉज़ बिकॉज़ यू हैव समथिंग न्यू टू परफॉर्म एक्चुअली, तो कुछ और ज्यादा सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें होती है। इसमें कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मेरा फेवरेट हो ऐसा मैं सोच के नहीं रखता हूँ। हर कैरेक्टर मेरे लिए उस समय के लिए फेवरेट हो जाता है। एंड जहां तक अनुराग बासु की बात की जाए तो करण और अनुराग में क्या डिफरेंसेस है या क्या सिमिलैरिटीज है? But that's a good thing. Lot of similarities because the way this character is Anurag Basu, he's a very quiet introvert person. He's very smart. He will just say what he's supposed to say. He's very straightforward. Time waste नहीं करेगा किसी का। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, एक practical इंसान है जो दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता है। So these are the things that which I can relate with Anurag Basu. एंड डिफरेंसेस की बात की जाए तो क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस तो सिर्फ यही है कि अनुराग बासु एज अ किरदार शादीशुदा नहीं है और मैं हूं शादीशुदा। और ज्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। एज अ बंगाली, आई एम अ गुजराती, ये सारी चीजें हैं। वी हैव सीन यू इन द प्रोमो की जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, देयर इज समथिंग थोड़ा थोड़ा प्यार काइंड ऑफ थिंग। एंड अभी जो सीरियल है थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी, लाइक थोड़ा थोड़ा वो चीजें हो रही है, तो
तो ये सब देख के आपकी फैमिली का एंड आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? थोड़ी थोड़ी क्या चीजें हो रही है, मतलब कौन सी चीजें हो रही है? प्रोमो में जैसे कि हमने देखा है कि आप और इशिता क्लोज आ रहे हो या ऐसा कुछ आगे ट्रैक आने वाला है, तो वो प्रोमो हाँ, देख के आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? प्रोमो देख के मेरी वाइफ, शी वाज वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मेरा प्रोमो मेरी वाइफ ने मुझसे पहले, आई थिंक सो, उसने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। सो शी वाज वेरी हैप्पी, वेरी सपोर्टिव शी इज एंड ऑल दैट। सो वेरी एक्साइटेड शी इज, यू नो, शी इज लाइक ऑल द बेस्ट करण, डू वेल, गिव योर बेस्ट, एवरीवन इज वेरी हैप्पी। ओके एंड इसके अलावा आगे वेब सीरीज की बात की जाए एंड मूवीज की बात की जाए, तो अगर आपको उसमें कोई अलग कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला तो आप कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑन स्क्रीन प्ले करना चाहोगे? ऑन स्क्रीन कैरेक्टर, ओके, एनीथिंग कनेक्टेड टू फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। इफ यू आस्क मी अबाउट कि आज तक मुझे मतलब आप मुझे पूछ रहे हो कि आज तक किसी बॉलीवुड ने ऐसा किरदार निभाया जो मुझे निभाना है, या इन जनरल मुझे कौन सा किरदार निभाना होगा अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए? इन जनरल आपको कौन एनी सा एनी कैरेक्टर? एनी एनी फ्रीडम फाइटर, किसी फ्रीडम फाइटर के ऊपर कोई कहानी बना रहे हो तो उसको लेकर आई वुड लव टू प्ले, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर इंडियन हिस्ट्री एंड इट विल बी ब्यूटिफुल टू प्ले, ऑलवेज रेडी फॉर दैट। ओके एंड ऑन सेट अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है या किस तरह से आप लोग की बॉन्डिंग है ऑन सेट? अब मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ सेट पे, इट्स बीन अराउंड 6 to 7 days ओनली, और हम काफी बिजी रहे काम को लेकर, वी आर कंटिन्यूसली शूटिंग एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली अब तक मस्ती करने का समय नहीं रहा है हमारे पास, तो जब समय आएगा शायद, हम मस्ती करेंगे तो तभी पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा मस्ती खोर है। बट एवरीवन इज वेरी प्रोफेशनल, एवरीवन इज वेरी फोकस्ड ऑन देयर वर्क। इशिता इज अ वेरी गुड को एक्टर टू वर्क विद, आई वुड से। सो फार पीपल हैव बीन रियली बिजी विद देयर वर्क एंड यू नो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो ज्यादा समय किसी को, फ्री टाइम तो किसी को मिला ही नहीं है। ओके एंड इसके अलावा अगर रियलिटी शोज की बात की जाए तो अगर आपको कभी कोई रियलिटी शो करने का ऑफर आता है तो आप कौन सा रियलिटी शो करना चाहोगे, लाइक खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस और समथिंग लाइक दैट? एनी रियलिटी शो विच वुड, खतरों के खिलाड़ी विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज यू नो आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, सो आई एम नॉट श्योर कि आई विल एवर बी एबल टू डू दैट। यू नो, मैं अगर शेर आ जाए तो मैं नहीं डरूंगा, लेकिन अगर मक्खी आ जाए तो मैं भाग जाता हूँ। मैं ऐसा पता नहीं क्यों है, बट इट्स लाइक आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड ऑल दैट, कॉकरोचेज एंड ऑल दैट, फॉर सम रीजन आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट आई वुड से एनी रियलिटी शो विच इन्वॉल्व्स डांस, ओके, आई वुड लव टू बी ऑन दैट शो विथ माई वाइफ। शी इज अ गुड डांसर, नेचुरली शी इज अ ग्रेट डांसर, आई एम myself, I love dancing, so we both would love to be a part of that show. ओके एंड लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर मेकिंग मी हैप्पी बाय लाइकिंग द प्रोमो, ओके। इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग कि 5 से 6 दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ एंड ऐसा रिस्पांस मिला मुझे, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड आई एम सो श्योर कि आगे भी ऐसी एक्साइटमेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू अनुराग बासु एज अ कैरेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू द शो, जो कहानी हम आगे दिखाने वाले आप लोगों को, इट विल बी ब्यूटिफुल एज वेल। फैमिली के साथ बैठकर आप इस शो को एंजॉय कर सकते हो एंड जस्ट कीप शावरिंग योर लव टू द शो, बस यही कहना चाहूंगा। ओके, सो 500 जो दिन आपने बोले हैं वो आपने काउंट किए थे क्या, लाइक अब ऐसे कुछ काउंट किए थे? Not not literally counting like each and every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, but I would say 2020 की शुरुआत से लेकर अभी तक it's more than 500 days if you count, I think so. So it's a figure that I'm giving, an estimated figure, an approximate figure that is 500 days. But yeah, it's over 500 days, I would say. ओके करण, इट वॉज लवली हैविंग यू एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Bye. वेलकम, बाय. Bye bye.